हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो, अच्छी इंग्लिश के लिए अच्छी वोकैबुलरी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सीख लेते हैं कुछ नए वर्ड्स। पहला वर्ड है राउंड द क्लॉक, मीन्स रात दिन। आई नीड अ सर्वेंट फॉर राउंड द क्लॉक केयर ऑफ माय होम। मुझे अपने घर की रात दिन देखभाल के लिए एक नौकर की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ड डोन, पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द सन राइजेस, यानी कि सूरज उगने का समय। डोन वर्ड का यूज़ हम सूरज की पहली किरण के लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लेफ्ट होम बिफोर डोन, मैंने सूरज की पहली किरण निकलने से पहले घर छोड़ दिया। नेक्स्ट वर्ड बोलस्टा, इसके दो मतलब होते हैं। पहला अ लॉन्ग राउंड पिलो, एक बड़ा गोल तकिया, और इसको हम तब भी यूज़ करते हैं जब हम कहना चाहते हैं कि टू सपोर्ट समथिंग टू मेक इट स्ट्रोंगर, यानी कि किसी को मजबूत बनाने के लिए जो आप इम्प्रूवमेंट करते हो या उसे सपोर्ट देते हो, यानी कि आधार बनाने के लिए, तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, बोलस्टा। सेंटेंस देख लेते हैं। योर प्रेजेंस विल बोलस्टा मी, आपकी उपस्थिति मुझे सहारा देगी। नेक्स्ट वर्ड इंसिपिड, इसका मतलब होता है टेस्टलेस, फ्लेवरलेस, यानी कि बेस्वाद, फीका। इसका एक और भी मतलब होता है, हम इसे उस पर्सन के लिए भी यूज़ करते हैं जो अनइंटरेस्टिंग हो, स्पिरिटलेस हो, यानी कि जिसमें एनर्जी कम हो। द फूड शी मेड वॉज इंसिपिड बट आई हैड टू ईट टू कीप हर हार्ट। उसका बनाया हुआ खाना बेस्वाद था, लेकिन उसका दिल रखने के लिए मुझे खाना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड पैलेटेबल, मीन्स डिलीशियस, स्वादिष्ट। द फूड वॉज पैलेटेबल, खाना स्वादिष्ट था। नेक्स्ट वर्ड फ्लिट अवे, मीन्स इलोप, गेट अवे, यानी भाग जाना, 9:00-11:00 होना। यू फ्लिट अवे विद योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्त के साथ भाग गए। नेक्स्ट वर्ड फ्रीजी, फ्रीजी का मतलब होता है घुंघराला। माई हेयर इज फ्रीजी, मेरे बाल घुंघराले हैं। देखिए, हेयर नाउन होता है, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होता है। जब हम बात करते हैं सिर के सारे बालों की, तो ये सिंगुलर फॉर्म में आएगा, जैसे मैंने एग्जांपल में यूज़ किया है माय हेयर इज फ्रीजी, मेरे बाल घुंघराले हैं। नेक्स्ट वर्ड बैकस्टैबर, मीन्स आस्तीन का सांप। इसे देखो ऐसे समझते हैं, मान लो कोई आपको ये दिखाता है कि आपका वो बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन जब आप नहीं होते तो वो लोगों से आपकी बुराई करता है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को कहते हैं बैकस्टैबर। एग्जांपल देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू कैच द बैकस्टैबर, मैं आस्तीन के सांप को पकड़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड जिटरी, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा। और आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है स्कैस, मीन्स लेस, हार्ड टू रीच, यानी कि दुर्लभ, जो मतलब बहुत मुश्किलों से मिले।